नमस्कार। पिछली वीडियो में दर्शकों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर आज आपको दूंगी, जो दर्शकों ने मुझसे पूछे थे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न ऐसा है जो बच्चे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। कल फिर एक वीडियो में बनाऊंगी, उसमें आज के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कल मैं आपको अवश्य दूंगी। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देती हूँ जो पिछली वीडियो में दर्शकों ने मुझसे पूछे हैं। पहला प्रश्न है, श्वेता दहिया ने पूछा है कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाएं तो क्या करें। मेरे बच्चों, बड़ा आसान तरीका है, घरेलू तरीका है। हर घर में तुलसी का पौधा होता है, अगर नहीं है तो तुलसी का पौधा लगा लें। कोशिश रहे कि श्यामा तुलसी लगाएं। श्यामा तुलसी के 8-10 पत्ते ले लें, उनका रस निकाल लें, चटनी बना लें, चटनी बनाकर निचोड़ लें। 1 या 2 चम्मच तुलसी का रस सुबह खाली पेट बच्चों को दे दें और लगातार अगर आप 3-4 दिन देते रहेंगे खाली पेट, तो सारे पेट के कीड़े निकल जाएंगे और आगे बढ़ेंगे नहीं। दूसरी चीज, अगर किसी के घर में आड़ू का पेड़ है तो उसके पत्तों का रस निकाल लें। 4 चम्मच आड़ू के पत्तों का रस खाली पेट बच्चों को पिला दें 5-4 दिन, सारे पेट के कीड़े निकल जाएंगे। तीसरी चीज, एक घरेलू और है, मरुआ होता है एक, इसी तुलसी की प्रजाति का पौधा होता है, उसकी चटनी बनाकर खाएं, उससे पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं, बड़ों के भी बच्चों के भी। अगर चटनी ना बनाना चाहें तो उसका भी रस निकाल कर खाली पेट 4 चम्मच पी लें, इससे भी पेट के कीड़े समाप्त हो जाएंगे। अगर आपके घर में आड़ू भी नहीं है, तुलसी भी नहीं है, मरुआ भी नहीं है, तो बाजार की औषधि बता देती हूँ। विडांग सवेक औषधि का नाम है, वो बाजार से आप ले आए, उसको बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। बच्चों की मात्रा 0 से 3 साल तक की 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, खाना खाने के आधा घंटा बाद बराबर का पानी मिलाकर, और 3 से 12 साल की उम्र के बच्चों को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, खाना खाने के आधा घंटा बाद बराबर का पानी मिला करके, और बड़ों को 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम को बराबर का पानी मिलाकर खाना खाने के आधा घंटा बाद। और एक छोटी सी बात और है, जो बच्चे छोटे हैं 12 साल तक की आयु के हैं, उनको आप अरविंदा सौ पिला सकते हैं, उससे भी पेट के कीड़े जर्म्स जो भी बच्चे में दिक्कत होगी सब समाप्त हो जाते हैं, बुद्धि प्रखर होती है और शक्तिमान बच्चे बनते हैं। उन छोटे बच्चों के लिए अरविंदा सब आप ला सकते हैं। इन चीजों का प्रयोग करने से समस्त देह के कीड़े, पेट के कीड़े, गुदा के कीड़े, आंतों के कीड़े सब समाप्त हो जाएंगे। इनका प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए। धन्यवाद। अब अगला प्रश्न है, शैली ने पूछा है कि 24 वर्ष के बाद क्या लंबाई बढ़ेगी। बेटे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लें, और उसको देखने के बाद आप कोशिश करें, अगर संभव हुआ तो आपकी लंबाई बढ़ सकती है, वरना 18 साल तक की आयु में ही लंबाई बढ़ने का शास्त्रों में प्रावधान लिखा हुआ है। 18 के बाद तो हमारी हड्डियां परिपक्व होने लगती, मजबूत होने लगती हैं, बढ़ने के चांस कम होते हैं। फिर भी कोई हड्डियों में अवरोध है, बीमारी है, कुछ ऐसी समस्या है, तो कुछ थोड़ा बहुत अंतर लग सकता है। वो आप वीडियो देख लें और उसे देख करके लाभ उठा लें। अगला प्रश्न है, गजल स्वामी ने पूछा है कि गुप्तांग की त्वचा काली ज्यादा है, उपाय बताइए। इसमें क्या उपाय बेटे, सीधा सा उपाय, आसान उपाय है, हरित की चूर्ण ले लें, उसके पानी से रोज अपने त्वचा को रुई से साफ करें, लगातार कुछ दिन के प्रयोग से आपकी त्वचा और शरीर के जैसे रंग हो जाएगा। जैसे आपके और शरीर का रंग है तो उस जगह का भी रंग वैसा ही हो जाएगा हरित की चूर्ण से, उसके पानी से परलाक्ष करें, धोएं। अब अगला प्रश्न है, निशा डागर ने कहा कि उन्होंने सभी प्रकार की दवाइयां लेकर देख ली परंतु उनका वजन कम नहीं हो रहा है। देखो बेटे, वजन किनको किनका बढ़ता है, जिनको कफ की समस्या होती है, या तो कफ की कोई बीमारी हो या वंशानुगत कफ हो, जिनके पूर्वज मोटे हो, माता हो, पिता हो, जिनमें कफ की समस्या अधिक हो। इसके लिए सरल उपाय है, बिल्कुल मैं तरीका बताऊंगी, बिल्कुल घरेलू है, आसान है, आप अपना वजन बड़े आराम से कम कर सकेंगे। आप त्रिफला ले लें, 3 चीजों के संयोग से बनता है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये बाजार में बना बनाया भी मिलता है। 10 ग्राम आंवला चूर्ण ले लें, उसमें 5 ग्राम आप अदरक डाल लें, अगर अदरक नहीं है तो अदरक का सूखा हुआ चूर्ण उसमें मिला लें।
जिसको सौंठी चूर्ण कहते हैं, मिला करके दो गिलास पानी में डालें और धीमी आंच से पकाएं। पकते पकते जब एक कप रह जाए नीचे उतार कर छान लें और उसमें आधा कप गोमूत्र डालकर पी लें खाली पेट। लगातार कुछ दिन के प्रयोग से आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा। ये तो पक्का नहीं कह सकते कि 10 दिन में या 15 दिन में घटना शुरू होगा या एक हफ्ते में, वो अपनी बीमारी के अनुसार अपनी तासीर के अनुसार घटेगा जरूर। बस ध्यान ये रखना है जिन चीजों से मेद बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, वो चीज आप छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कफ घटाने की चीजें खा रहे हैं और ऊपर से जिनसे वृद्धि और विकास हो रहा है जिन चीजों से, वो भी खाते रहे। वो क्या है, आप सबको पता है, जिन जो मोटे लोग हैं घी ना खाएं, मीठा ना खाएं, किसी भी तरह की मिठाई ना खाएं, चावल ना खाएं, उड़द की दाल ना खाएं, आलू ना खाएं, जिन चीजों से मोटापा बढ़ता है। सलाद का प्रयोग अधिक करें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। आपका वजन बिल्कुल कम हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, जितना चाहेंगे उतना आप रख सकते हैं। इनका प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए। अब है अगला प्रश्न। किरण चौधरी ने पूछा है कि भृंगराज तेल बनाने का वीडियो बनाइए। बेटे मैंने कई तरह के तेल बनाने की विधि बताई है, आप वीडियो पर जाइए और भृंगराज का तेल बनाना सीखिए, बड़ा आसान है। अगला प्रश्न। विकी भार्गव ने पूछा है कि गर्मियों में मेथी के लड्डू खा सकते हैं, गर्भाशय बाहर आने की समस्या है। विकी भार्गव बेटा, मेथी के लड्डू किसी भी मौसम में खा सकते हैं। बस ध्यान इस चीज का रखना है कि जिनको गर्म तासीर है, मेथी की जो तासीर है वो गर्म होती है, वो उसकी मात्रा कम कर दें, मात्रा कम कर दें, घी की मात्रा अधिक बढ़ा दें, 100% आप ठीक हो जाएंगे। मेथी में वो गुण है जो किसी और औषधि में नहीं है। आपका ढीला हुआ गर्भाशय धीरे धीरे पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है थोड़ा सा परहेज का, भारी वजन ना उठाए, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनका शरीर नीचे से कच्चा होता है, वजन उठाने में, नसें कमजोर होने में फिर समस्या आ सकती है। बस थोड़ा सा परहेज ही रखना, मेथी के लड्डू खाएं, आप अवश्य ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है। सुधा जी ने लिखा है कि उनकी उम्र 28 वर्ष है, उनकी दो बेटियां हैं, छोटी बेटी की उम्र 3 वर्ष है और एक दूसरी बड़ी बेटी है उससे, तो उनकी तो दिक्कत क्या है, उनकी माहवारी ठीक से नहीं आती और वजन भी बढ़ता जा रहा। बेटे जिनका वजन बढ़ता जा रहा, माहवारी ठीक से नहीं आती, उनको ऐसा हो सकता पीसीओडी की समस्या, गर्भाशय में कोई गांठ रसौली है। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर जाएं, मैंने वीडियो बना रखी है। अगर महीना रेगुलर आता है, ज्यादा आता है, जल्दी जल्दी आता है, उसके लिए अलग वीडियो है, और रुक रुक कर आता है, बहुत दिनों में आता है, उसके लिए दूसरी वीडियो। इनको देखें, आप 100% ठीक हो जाएंगी। बहुत सारी महिलाओं ने अपना इससे इलाज किया है और जैसे ही आपका इलाज होगा, जैसे भी आपकी समस्या दूर होगी, धीरे धीरे आपका बढ़ावा मोटापा भी ठीक हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जिन चीजों से मोटापा आता है वो चीजें आप ना खाएं। आप सबको पता है उड़द की दाल है, चावल है, आलू है, अरवी है और फूल गोभी है, इन चीजों का सेवन कम करें, सलाद का प्रयोग ज्यादा करें, पानी अधिक पिए, त्रिफला का काढ़ा पिए, आपका वजन भी कम हो जाएगा, आपकी पीसीओडी भी ठीक हो जाएगी, माहवारी समय पर आएगी। अगला प्रश्न। हरकेश जी ने लिखा है कि उनके बाल बहुत झड़ते हैं, कैसे रोकें और उनको लंबा कैसे करें। हरकेश बेटा सीधी सी बात है, अपने बालों को शैम्पू से ना धोएं, ये केमिकल होते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो। जैसे अगर खेत अच्छा नहीं होगा, उपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, तो फसल की वृद्धि नहीं होगी। इसी तरह शैम्पू से बाल धोने में हमारा जो सिर होता है, इसकी ग्लो को शैम्पू खत्म कर देता है, जिससे बालों को खुराक मिलती है। आपने देखा होगा कभी बाल जड़ से फट जाए तो सफेद जड़ निकलती, खून नहीं निकलता, क्योंकि हमारे बाल सिर की त्वचा में होते हैं और सिर की त्वचा शैम्पू से जो है उसमें रूखापन आ जाता, खुश्की आ जाती है, उसका ग्लो खत्म हो जाता, तो खुराक कहाँ से मिलेगी, गंजापन भी आएगा, बाल भी झड़ेंगे, लंबे नहीं होंगे। इसके लिए मैंने कई वीडियो बना रखी है, कई तरह का तेल बनाना बता रखा है। मेरे चैनल पर जाएं, वीडियो देखें और अपना इलाज करें, उससे तो बेटे गंजापन भी खत्म हो जाता है,
ये तो आपके बाल ही झड़ रहे हैं, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीलांबर मिश्रा जी ने पूछा है कि वे चंद्रहास रस कैसे मंगवा सकते हैं और फोन नंबर पूछा। बेटे हर एक वीडियो के नीचे मेरा फोन नंबर है, सारी विधि बताई गई है, आप ट्राई करें, आपको अगर आप कोशिश करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगला प्रश्न है, दीपक सिंह ने दाद की औषधि पूछी है। मेरे बच्चे ये आप तो दाद की औषधि पूछ रहे हैं, किसी भी तरह का त्वचा रोग हो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पर जाएं, अपना इलाज करें, अपना उपचार करें, अधिक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं, सरल उपाय हैं, आसान उपाय हैं, सस्ते उपाय हैं, वीडियो पर जाएं, चैनल पर वीडियो देखें, चैनल पर जाएं, अपना उपचार करें। अब है अगला प्रश्न, एक दर्शक ने लिखा है कि उनके शरीर में बहुत तकलीफ है, वो मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं परंतु उनका फोन रिसीव नहीं हो रहा। हाँ मेरे बच्चे मैं मानती हूँ कोविड की वजह से कुछ समस्या आई हुई है, लेकिन भविष्य में ऐसी समस्या नहीं आएगी, हम कोशिश करेंगे और आपके फ़ोन भी रिसीव हुआ करेंगे, और फिर भी आपको अगर अधिक समस्या है तो आप मेल कर दें, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगी। अगला प्रश्न है, स्नेहा गुप्ता ने लिखा है कि उनके गुप्तांग में बहुत खुजली होती है, इससे उनको मदद चाहिए। बेटे गुप्तांग में खुजली के दो ही कारण है, या तो आपको शुगर है या आपको इन्फेक्शन है, सीधी सी बात है, अपना शुगर टेस्ट करवाइए, अगर शुगर ठीक है तो मैंने इसके लिए कई वीडियो बना रखी हैं, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, खुजली ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बहुत सरल उपाय हैं, उनका प्रयोग कीजिए, लाभ उठाइए। बच्चों प्रश्न तो अभी काफ़ी बचे हुए हैं, इनके उत्तर मैं अगली वीडियो के माध्यम से दूंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको देखने में परेशानी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।